Bismillahir Rahmanir Rahim, my dear students, I hope you are fine. Today I will deliver lecture about some problems regarding fluid mechanics, and the problem I have written on the whiteboard is as mentioned. Please now focus on the whiteboard. Today we will discuss about fluctuating flow of a viscous fluid past a porous plate. Now, first we have to understand what is the title of today's problem. So, students के लिए मैं ज़रा explain इस तरीके से करता हूँ कि fluctuating flow, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि fluctuation और oscillation में क्या difference होता है. तो मैं fluctuation के बारे में explain इस तरह करता हूँ कि fluctuation होती है to and fro motion of a body about a certain position in an irregular way. यानी उर्दू में अगर इसको इस तरह explain करते हैं कि कोई किसी body का एक ख़ास position के about to and fro move करना मगर irregular way में कि उसके amplitude के ऊपर फ़र्क आ जाए, तो ये fluctuation होती है. जबकि oscillation क्या होती है, किसी भी body का एक ख़ास पोजीशन के अबाउट मूव करना विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तो और या फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, तो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले समझा कि डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएशन एंड ऑसिलेशन. अब हम आगे चलते हैं. अगला वर्ड जो समझने के लिए है, दैट इज़ विस्कस फ्लूइड. तो फ्लूइड की दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड और सेकेंड वन इज द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. तो न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को होल्ड करे, इजी वर्ड्स में. और सेकेंड ये होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसके ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो जो उसके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसके पार्टिकल्स में, वो लीनियरली रिलेट करती है. जब लीनियरली रिलेट करेगी तो इस तरह के फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे. और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? इन सिंपल वर्ड, अ फ्लूइड दैट डेविएट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. अब हम मूव करेंगे आगे अगले वर्ड्स की तरफ. पोरस. पोरसिटी मींस कि आपने जो सरफेस जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको पोरस कंसिडर. पोरस मींस उसमें पोर्स हैं. पोर्स होने का मतलब यह है कि फ्लूइड उन पोर्स के से, इस सक्शन के केस में भी हम इसको डील कर सकते हैं, इंजेक्शन के केस में भी हम यहाँ पर सक्शन का केस डील करेंगे और यूनिफॉर्म सक्शन का केस डील करेंगे जिसमें फ्लूइड उन पोर्स से नीचे की तरफ आएगा और नॉर्मल टू द सरफेस मूव करेगा और उसके बाद वो मोशन शो करेगा. तो हमने यहाँ पर और नेक्स्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेक्शन के हवाले से. आज का जो लेक्चर है वो हमारा यूनिफॉर्म सेक्शन के हवाले से है. तो उसके लिए हमने यकीनन अजम्पशन लेनी पड़ेगी. हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अजम्पशन कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमने एक प्लेट ले ली है. द प्लेट इज अलोंग एक्स एक्सिस. जो प्लेट है वो एक्स एक्सिस में. और डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये पोरस प्लेट है. पोरस प्लेट का मतलब ये है कि ये जो प्लेट है इसमें मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर पोर्स मौजूद हैं. यानी अगर आप नोट करें तो इस ये फ्लो डाउन साइड पर आएगा और उसके बाद मोशन होगी. तो ये फ्लूइड हमने टू डायमेंशनल लिया. अब जब हमने टू डायमेंशनल लिया तो इसका मतलब है कि फ्लूइड के केस में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारे पास यू और वी बेसिकली टू वेरिएबल स्पेस वेरिएबल में होंगे. वो हम आगे चल के बताते हैं कि वो वाई का फंक्शन होगा. वेलोसिटी फील्ड भी वाई की फंक्शन होगी और यू और वी दोनों वेलोसिटी के होंगे. अच्छा, नेक्स्ट हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे. इसका मतलब है कि हमने डेंसिटी जो फ्लूइड लिया हुआ है वो कांस्टेंट डेंसिटी वाला फ्लूइड लिया है. न्यूटोनियन फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट डेंसिटी वाला फ्लूइड है जिसको ऐसी है. और ये भी हमने अजम्पशन ले ली कि जो प्लेट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है. वेलोसिटी फील्ड को हमने ये शो कर दिया. और अब हम इन अजम्पशंस को यूज़ करते हुए जो बेसिक इक्वेशंस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें हमारे पास पहली इक्वेशन कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है उसको हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम मोमेंटम इक्वेशन को यूज़ करते हुए डेरिवेशन करेंगे. तो हम अब आगे नेक्स्ट चलते हैं. जी माई डियर स्टूडेंट्स,
क्योंकि हमने टू डायमेंशनल प्रॉब्लम कंसिडर किया हुआ है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उसका को समझना, और प्लेट रेस्ट पर है। जब प्लेट रेस्ट पर होगी तो जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू सक्शन प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से जो फ्लूइड के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर प्लेट है तो इस प्लेट के अंदर जो डिस्टर्ब ये पोर्स मौजूद हैं, तो जैसे ही फ्लूइड इसके ऊपर से आएगा तो वो यहाँ से आके, तो फिर जब वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर यहाँ से प्रोड्यूस होगी तो अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोड्यूस होगी। जब वो अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोड्यूस होगी तो जो वेलोसिटी फील्ड है वो अलॉन्ग वाई फंक्शन ऑफ वाई और टी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स, आप जो गवर्निंग इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, इक्वेशन नंबर वन रिप्रेजेंट द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इज दैट इज द बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने इक्वेशन वन जो है ना वो लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वैसे, और इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन थ्री जो है वो मोमेंटम इक्वेशन जो कि नेवियर स्ट्रोक ने बनाई थी, नेवियर स्टोक ने इसको बनाया था, उसको हमने यूज़ किया फॉर टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। और हमारी इक्वेशन देखें आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जी ना जी आ रहा है, थर्ड इक्वेशन भी इन्वॉल्व नहीं हो रही और रिस्पेक्ट टू जी भी डेरिवेशन नहीं और डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से ये इक्वेशन टू है जो कि हमारा टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। अब देखें, क्योंकि यू और वी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, जब फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा तो उस चीज़ को अज्यूम करते हुए फर्स्ट इक्वेशन में पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई रह जाएगा और पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल यू फंक्शन ऑफ एक्स ही नहीं है। जब नहीं मौजूद तो इसका मतलब पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई जीरो हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब अगर वही अजम्पशन जो कि यू और वी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो हमारी नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन है इसके अंदर ये वाई टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, इसी तरीके से ये जीरो, यहां पर ये चीज जीरो। जब ये सब जीरो होगी तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स अटेन होगी, और वो दोबारा अगेन मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि रेपिटेशन की वजह क्या है कि जो वेलोसिटी फील्ड है वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर फोर को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम सक्शन कहते हैं, डब्ल्यू नॉट अपीयर होगा, और वो हमने फंक्शन कांस्टेंट लिया क्योंकि वो उसको वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो इसको ऐसे कांस्टेंट कंसिडर करने की वजह से डब्ल्यू नॉट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो सक्शन का केस होगा, और डब्ल्यू नॉट लेस देन जीरो होगा तो उस केस में वो इंजेक्शन होगा। मगर क्योंकि हमने डब्ल्यू नॉट को नेगेटिव रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर सक्शन का प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, और एट द लास्ट अगर हम इस चीज़ को समझें कि डब्ल्यू नॉट जो है ना वो वेलोसिटी नॉर्मल टू दी प्लेट होगी, यहाँ ऐसे मूव करेगी, तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशंस मॉडल की थी जिसमें हमने टॉपिक कंसिडर किया था फ्लूइड फ्लो ओवर अ पोरस प्लेट विद यूनिफॉर्म सक्शन, और जब मॉडलिंग हमने इक्वेशन फाइव और इक्वेशन फोर और फाइव अटेन की थी। अब आपने नोट ये करना है कि आज हम उससे आगे उसी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, और उस प्रॉब्लम में हम आज सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, और अभी हम बाउंड्री लेयर अप्रोच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंतहाई इंटरेस्टिंग बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट है उसको भी सीखते हैं, और स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया था। जी स्टूडेंट्स, आप देखिए वाइट बोर्ड पर हमने, क्योंकि यूनिफॉर्म सक्शन का केस लिया हुआ है, तो जब सक्शन के केस में तो हमने V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट कंसिडर किया हुआ है, और हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो फंक्शन ऑफ y एंड t है, वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो ये मिली थी। जब हमने ये चीज़ यूज़ की तो इक्वेशन और फोर और फाइव कन्वर्ट हो गए स्टार और डबल स्टार में। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि w नॉट कॉन्स्टेंट है तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में डबल स्टार वाली इक्वेशन में v के रिस्पेक्ट डेरीवेटिव आएंगे वो तमाम के तमाम डेरीवेटिव ज़ीरो हो जाएंगे, जब वो ज़ीरो होंगे तो हम ये इक्वेशन आ जाएगी डबल स्टार। अब ये डबल स्टार वाली जो इक्वेशन इंतहाई इंटरेस्टिंग है,
तो स्टूडेंट्स वो कैसे इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास लिखा हुआ है पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई ज़ीरो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो है। इसका मतलब है प्रेशर के अंदर चेंज अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो है तो हमारे पास प्रेशर, हमारे तीन वेरिएबल का फंक्शन हमने कंसिडर किया हुआ था एक्स वाई एंड टी, अगर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज ज़ीरो है तो वो दो वेरिएबल का फंक्शन रह गया एक्स और टी का। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो हमने यहाँ पे पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स की जगह हमने रिप्लेसमेंट करनी है और वो बाउंड्री लेयर अप्रोच के बारे के थ्रू हम करेंगे। और बाउंड्री लेयर अप्रोच बेसिकली क्या है, 1904 में लुडविग प्रांटल ने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस से पास करता है तो जैसे जो फ्लूइड के पार्टिकल सरफेस के साथ अटैच होते हैं उन पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे फ्लूइड के पार्टिकल जो कि ऊपर मूव करते हैं उनका उनके ऊपर विस्कोसिटी के इफ़ेक्ट्स रिड्यूस होते रहते हैं, तो जो सबसे टॉप वाले जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे फ्लूइड के पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं वो है स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब हम नोट करते हैं, तो यही जो पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे डी यू डिवाइडेड बाय डी टी। वजह क्या है बच्चों कि प्रेशर जो है ना वो वाई का फंक्शन नहीं रहा, अब जब पार्शियल पी जो प्रेशर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज आ रही है वो फंक्शन ऑफ टाइम रह जाएगी क्योंकि हमारे पास वाई का तो विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास एक्स और टी का फंक्शन टी के रिस्पेक्ट वो फंक्शन आ गया और उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद स्ट्रीम वेलोसिटी, वी आर यूज द स्ट्रीम वेलोसिटी। अब हम करेंगे क्या, ये जो हमने एक्सप्रेशन हासिल किया इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर स्टार में और हमारा जो प्रॉब्लम बन जाएगा उस प्रॉब्लम के मुताबिक आप स्टूडेंट्स देखिए पार्शियल यू बाय पार्शियल टी और माइनस वो एज इट इज आ गया जो इक्वेशन स्टार में, पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स इनकी जगह टोटल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी जगह डी यू बाय डी टी और न्यू इज इक्वल न्यू पार्शियल स्क्वायर यू, ये चीज रिप्लेस। और अगेन हमारा जो पहले हमारे पास विस्कोसिटी डिफरेंट थी दैट इज म्यू, अब हमारे पास म्यू ओवर रो को डिवाइड करने से न्यू आ चुकी है तो ये हमारे पास, और बाउंड्री ले अब देखें बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। अब आप देखें ये एक प्लेट थी, इस प्लेट में हमने पोरोसिटी कंसिडर की हुई थी तो पोरस होने की वजह से इसमें जो डिस्टर्बेंस हो रही थी ये बेसिकली इसकी दो बाउंड्रीज हैं, दिस इज द प्लेट दिस इज द अपर स्ट्रीम बेसिकली जहां पर फ्लूइड के पार्टी स्ट्रीम वेलोसिटी जिस साथ मूव कर रहे हैं तो टॉप लेयर है और यहां विस्कोसिटी के इफेक्ट्स मिनिमम है, यहां पर इसके विस्कोसिटी के इफेक्ट्स मैक्सिमम, तो एक बाउंड्री होगी बेसिकली यू ऑफ इंफिनिटी टी एंड दैट इज यू ऑफ जीरो टी। अब देखिएगा नोट की क्योंकि ये तो फंक्शन ऑफ y है बाउंड्री कंडीशन, तो ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, जब y जीरो होगा तो उसकी कंडीशन होगी u ऑफ जीरो t, फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, और ये y इन्फिनिटी है तो u ऑफ जीरो t पे तो प्लेट रेस्ट पर है, जब वो रेस्ट पर होगी तो हमारी जो कंडीशन होगी वो जीरो होगी, और जब टॉप वाली लेयर जिसको जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स किसके साथ स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो वो उस केस में हमने और वो फ्लक्चुएटिंग फ्लो लिया हुआ है तो जो इन्फिनिटी के ऊपर कंडीशन होगी यू नॉट वन प्लस एप्सिलॉन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, बेसिकली ई की पावर आयोटा ओमेगा टी साइन और कॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इस तरीके से ये सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स ओमेगा जो है ये नोट कर लें, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन है, तो हम आगे फिर चल के इस चीज़ को इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टे ट्यून टू अवर चैनल, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द अटेंड प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर।